अब हम दिल्ली के जेएनयू कैंपस में कन्हैया कुमार के कारण जेएनयू की क्या छवि बनी? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का काम अगर किसी ने जेएनयू को किया है तो कन्हैया कुमार ने किया है। सनातन को गाली दे के ही उनका जन्म ही हुआ है। कन्हैया कुमार तो दोगला चरित्र का व्यक्ति ही रहा है। उसकी राजनीति वामपंथ से शुरू हुई, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण को गरियाते हुए शुरू हुई। जो अफजल गुरु के लिए कार्यक्रम रखा गया उसी से निकला हुआ नेता आज अगर ढोंग करके कालनेमी की तरह रूप बदल के समाज में आ जाता है तो अच्छा हो जाएगा। कोई व्यक्ति उठ करके आके कह दे अगर कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है, इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देश आज के डेट में संविधान से चल रहा है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि ज्वाइन NSCY टुडे एंड लूट इंडिया टुमारो। उनकी वजह से जेएनयू के ऊपर पूरा एक बोल गया टैग एंटी नेशनल का। जो आम नागरिक है जेएनयू का, वो भी जब बाजार में जाता था तो हमें एक आतंकवादी की तरह से देखा जाता, उनके किए गए कार्यों की तरह। अब हम दिल्ली के जेएनयू कैंपस में, जेएनयू के कैंपस में एक समय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार रह चुके हैं और अब उन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस ने टिकट देके मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा है। हम जेएनयू कैंपस में और जेएनयू के छात्रों से पूछते हैं कि वो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा, तो ये तो पता होगा कि कन्हैया कुमार अभी चुनावी मैदान में है मनोज तिवारी के खिलाफ, तो क्या लग रहा है कि जीतेंगे? नहीं नहीं, वो देखिए कुल मिला जुला के जो दिल्ली में 7 सीटें हैं वो सातों के सातों सीट NDA जीत रही है, जहाँ तक मेरा आकलन है। नहीं, और आकलन, हाँ हाँ बोलिए। और रही बात कि मनोज तिवारी और कन्हैया में, तो कोई मतलब तुलना ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछले बार भी वो बिहार से लड़ने गए थे तो हार ही गए थे कन्हैया जी, और इस बार मनोज जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो चूंकि जो उनका जो क्षेत्र है वह पूर्वांचल और बिहार बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ मतलब वोटर जो अगर देखेंगे आप प्रतिशत, तो मुझे लगता है 50% से ऊपर वोटर पूर्वांचल और आपका ये बिहार बॉर्डर से रिलेटेड उतने ही वोटर अत्यधिक हैं। तो उनका जैसी बात है कि पूर्वांचल और बिहार का वो जो एरिया के जो लोग हैं उनका जुड़ाव संस्कृति से अपने बहुत ज़्यादा होती है, और जो कन्हैया हैं वह संस्कृति विरोधी व्यक्ति हैं। यहाँ रहते थे तो कांग्रेस को तमाम चीज़ों को गाली ही देते थे, सनातन को गाली देते थे, सनातन को गाली दे के ही उनका जन्म ही हुआ है। तो और वहाँ गए हैं तो अब कांग्रेस, मतलब जिस कांग्रेस को गलियाते थे उसी कांग्रेस में अब ज्वाइन कर लिए हैं। तो वहाँ अब दिखावा के लिए जनता जान रही है कि आप दिखावा के लिए राम का पूजा कर रहे हो, दिखावा के लिए आप परशुराम को पूज रहे हो, वह ये चलेगा नहीं। नहीं तो आपके जेएनयू के ही छात्र रहे हैं तो आप लोगों को तो समर्थन करना चाहिए, भैया वो जीतेंगे तो थोड़ा फायदा वायदा तो मिलेगा ही। देखिए हम लोग उस मतलब आपकी आवाज बुलंद करेंगे जेएनयू की। बिल्कुल, जेएनयू का आवाज बुलंद करने के लिए वही थोड़े हैं, बहुत लोग हैं जेएनयू का आवाज बुलंद करने के लिए। और उनका और मेन बात ये है, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का काम अगर किसी ने जेएनयू को किया है तो कन्हैया कुमार ने किया है। जब से वो अध्यक्ष बने और यहाँ पर जिस तरीके से नारे लगे, देश का हर एक व्यक्ति जानता है, दिल्ली का हर एक मतदाता जानता है। वो आप, हाँ आप कहेंगे कि कोर्ट ने छूट दिया, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, पर अगर आप उस आंदोलन को, आप उसको लीड कर रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि अगर वहाँ पर चलने वाला आपके पीछे कोई छात्र है या कोई भी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ में आप क्या बोले। जो लोग ऐसे देश विरोधी नारे लगा रहे थे, एक बार एक बाइट आप दिखा दीजिए कन्हैया का जब उन्होंने ये बोला हो कि ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर आप मौन हैं और आप नेता हैं तो इसका मतलब आप उसके समर्थक हैं। नहीं तो क्या दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस है, तो कुछ फायदा नहीं लग रहा कि जीत जाएंगे वो? तो अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं, क्या पता अरविंद केजरीवाल उनके लिए। कन्हैया कुमार तो दोगला चरित्र का व्यक्ति ही रहा है। उसकी राजनीति वामपंथ से शुरू हुई, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण को गरियाते हुए शुरू हुई, और हमने सबने देखा है 4 दिन पहले जब वो नामांकन कर रहे थे तो वो पूजा पाठ कर रहे थे। कौन नहीं जानता है कि कन्हैया की उपलब्धि किससे हुई? सारे धर्म के पंडित और जितने हाँ, भी हैं सबको बुलाया था। हाँ सबको बुलाया था, लेकिन तो उनका तो चरित्र तो सब जानते हैं ना कि तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई। 4 दिन में अगर तुम गिरगिट की तरह रंग बदलोगे तो क्या जनता को नहीं दिखाई देता है? बड़े आराम से दिखाई देता है, वो वोट करेगी और वोट से चोट करेगी। मनोज तिवारी जी जीतने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि उन्होंने, मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया है और बस माहौल बना रहे हैं, लेकिन इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे। नहीं नहीं, हम 2000 से लेके आइए इधर
2000 से लेके मतलब केजरीवाल तक तो दिल्ली में प्रायः कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही, तो कांग्रेस ने क्या किया इसका भी तो जवाब उनको पूछना चाहिए ना। कांग्रेस से जिस दल से वो लड़ रहे हैं उस दल ने दिल्ली के लिए क्या किया? उस दल ने तो दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। तो मनोज तिवारी जी तो हम लोग उस कार्य मतलब उनके लोकसभा क्षेत्र में मैंने स्वयं मैं घूमा हूँ, मेरा सर्वे रहा है, उसमें बहुत काम हुआ है, वो क्या जान रहे हैं? वो अभी नए हैं दिल्ली के लिए, हमको तो लग रहा है। क्या किया यही बता दें, क्या चीज़ नाम बताइए? मेरा नाम अरुण श्रीवास्तव है, मैं शोध छात्र हूँ यहाँ पे CMS से। अगर कन्हैया कुमार यह कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, तो राहुल गांधी को अपनी सीट, अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ के भागने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अमेठी और रायबरेली में जो उनकी खानदानी सीट मानी जाती थी वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? जिस धर्म को पानी पी पी कर कन्हैया कुमार गाली देते थे, आज उन्हें हवन करने की आवश्यकता क्यों समझ आ गई? यह स्पष्ट दिखाता है कि वह जनता को मूर्ख समझते हैं और सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में वह यह कार्य कर रहे हैं, और यह भारत की जनता इसे स्पष्ट समझ चुकी है और इस चुनाव में ये जनता उन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी। तो क्या मनोज तिवारी के लिए थोड़ा सा भी खतरा नहीं है, कन्हैया कुमार खतरा बन नहीं रहे? देखिए, मनोज तिवारी ने क्या किया है इसका जवाब जनता देगी या कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह जनता कन्हैया कुमार के पक्ष में नहीं जाएगी। तो कुछ तो कारण होगा कि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, इंडिया अलायंस भी अब सब कुछ समझ, कन्हैया कुमार को लाने के लिए कुछ तो कारण होगा। देखिए, नाव उसको बस अपनी नाव जो है डूबने से बचानी है, तो जो व्यक्ति उसको दिख रहा है वो उसको टिकट दे दे रहे हैं, आप ये समझिए। मैं, मेरा नाम राकेश है, मैं CHS का छात्र हूँ। मैं जब JNU में आया था तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी डाउटफुल थे कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जहाँ पे देश विरोधी नारे लगते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट, आप बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट से नाम आप रिलेट कर रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं, इस इंस्टीट्यूट का अगर नाम बदनाम हुआ है तो उसके लिए सबसे जो मेजर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो खुद ही हैं। अब भाई साहब ने बोला था कि कोर्ट से बरी कर दिए, शायद आपने बोला था कि आप देखिए, आप उस आंदोलन का हिस्सा हैं और आपने कोई मतलब शांत कराने का कोशिश नहीं करा, उसके अगेंस्ट में कोई स्टैंड नहीं लिया, बल्कि आप बोल रहे हैं कि मेरे को तो कोर्ट से वो कर दिया गया है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीज़ों को सपोर्ट करा और आप उसके हिस्सा थे, आप इस बात से छुपा नहीं सकते खुद को। इसकी वीडियोग्राफी है, वीडियो प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं। और रही बात मनोज तिवारी की, तो जनता बेहतर जानती है इलेक्शन में कैसे जवाब देना है, वो जनता पे छोड़ दीजिए। अगर JNU का कोई और छात्र अगर इस चुनावी मैदान में उतरा होता तो क्या आप लोग कहते हैं? अगर कन्हैया कुमार के अलावा कोई और होता तो देखिए, कन्हैया कुमार के अलावा JNU के बहुत सारे पास आउट लोग हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, जयशंकर जी हैं, जिन्होंने हमारे संस्था का एकदम मान सम्मान बढ़ाया, ना केवल संस्था के बल्कि हमारे देश का भी मान सम्मान बढ़ाया। वो तो डिपेंड करता है कौन व्यक्ति हो, अगर आप दूसरा व्यक्ति बता दें तो मैं उसके बारे में बिल्कुल एनालिसिस कर दूंगा, डिपेंड करता है। अगर उस लायक कोई व्यक्ति होगा तो हम बिल्कुल उसके लिए खड़े होंगे, बात करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सुरक्षित करने का अगर कोई कार्य करे, कोई भी JNU का ऐसा थोड़े है कि राइट विंग के ही लोग, नहीं, राइट विंग के ही ऐसा नहीं है। जो भी JNU में पढ़ रहा है अगर वो लोकतंत्र की बात करता है, वह देश को जोड़ने की बात करता है, तो ऑफकोर्स वो ऐसा थोड़े है कि राइट विंग का ही वो माना जाएगा। राष्ट्र से प्रेम करने वाला राइट विंग का ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई, वो किसी भी दल में हो सकता है, लेकिन वो लोकतंत्र की बात करे, वो देश को जोड़ने की बात करे। ये नहीं कि अब देश को आप तोड़ने की बात करो, बात JNU छात्र संघ की हो रही है और आप आज़ादी की नारे लगा रहे हो फिलीपींस की, तो ऐसे थोड़े होगा, ऐसे थोड़े कोई राजनीति होती है। तो ऐसे जो लोग करते हैं उनके साथ आम जनमानस JNU का खड़ा है, जो लोकतंत्र की बात करता है, जो देश को जोड़ने की बात करता है, ऐसे लोगों के साथ JNU का आम जनमानस खड़ा है। ऐसा नहीं है कि JNU का आम जनमानस उनका विरोध कर रहा है, लेकिन अब जिनकी राजनीति ही लोकतंत्र को तोड़ने से और देश को तोड़ने से ही चालू हुई है, उनके साथ क्यों आम JNU का आम जनमानस क्यों खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा, ऑफकोर्स नहीं खड़ा होगा। जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। आप विपक्ष को देख लीजिए वो क्या कर रहा है, कहीं से मुझे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं दिख रहा है। वो केवल एक व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, वो केवल एक पार्टी को गाली दे रहे हैं, और सब सारे के सारे वो एक हो गए हैं उस व्यक्ति को हराने के लिए। उनके पास और कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो, जैसे अब मैं देखता हूँ कि महिलाओं को 1-2 लाख रुपये दे देंगे, संभव नहीं है भाई साहब। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा ऐसा कहा था कि मैं इतना पैसा दे दूंगा अकाउंट में एनुअली, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है ना, लखपति दीदी बीजेपी भी चला ही रही है, तो उन्होंने भी कह दिया हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। और इन्होंने कहा है डायरेक्ट अकाउंट में पैसे दे देंगे, उन्होंने बोला है कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, मुद्रा योजना के थ्रू लोन देंगे, बच्चों की पढ़ाई में वृद्धि करेंगे, तो ये सब चीज़ें डिफरेंस यहाँ पे साफ। काम की ही बात करें तो आप पैसे की ही बात कर रहे हो,
तो आप देखिए कि पहले के समय में इन्हीं के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्हीं के कांग्रेस के ही मतलब दल से चुने गए थे प्रधानमंत्री। तो वो कहते थे कि एक रुपये हम दिल्ली से भेजते हैं तो 25 पैसा जिसको भेजते हैं वहाँ पहुँचता है। आज मोदी जी केंद्र में बैठ के 2000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में 2 महीने पे भेज रहे हैं, तो 2000 में से 1999 तक नहीं हो रहा, वो 2000 का 2000 पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि एकदम घोटाला हो ही नहीं रहा है। उनके समय था कि जाते 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 वो पैसा कहाँ कब पहुँचता था, और यहाँ एक मिनट बटन दबता है कि दूसरे सेकंड में उसके खाते में पेमेंट हो जाता है। तो ये तो अच्छा ही काम है इसके। और देखिए, आम जनमानस हमेशा जो भी अच्छा काम करेगा उसकी हम बड़ाई भी करेंगे, अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसका हम खुल के विरोध भी करते हैं। यही असली जेएनयू। कन्हैया कुमार में कुछ तो अच्छी बात होगी। देखिए, कन्हैया कुमार में एक अच्छी बात यही है कि वो झूठ को बहुत अच्छे से परोस लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छी बात है उनके। कन्हैया कुमार बने कैसे? उनका जो इमरजेंस है वही विवादित है। तो अच्छी बात हम कैसे देखेंगे? जब वो अच्छे चीज अच्छे कार्य करके समाज में आएंगे तब उसका अध्ययन किया। तो बोल रहे हैं कि अब अच्छे कार्य, अब कैसे क्या होता है? जो कार्य जो जिस कार्यक्रम में वो सम्मिलित रहे, जो कार्यक्रम पर विवादित रहा, जो अफजल गुरु के लिए कार्यक्रम रखा गया उसी से निकला हुआ नेता आज अगर ढोंग करके कालनेमी की तरह रूप बदल के समाज में आ जाता है तो अच्छा हो जाएगा। उसका इमरजेंसी गलत है, उसको उसकी उत्पत्ति ही गलत तरीके से हुई है। तो क्या कांग्रेस को टिकट देना गलत है? अभी देखिए, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई पार्टी है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति जो रही है हमेशा देश को तोड़ने वालों का साथ देने की रही है, या आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों को समर्थन करने वाली रही है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहते हुए जब कश्मीर को तोड़ने वाले और वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने वाले लोगों को बुलाकर यहां पर सम्मानित किया जाता था, और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है वो सारे लोग जब सलाखों के पीछे हैं। आज जब शांति व्यवस्था कायम हुई है धारा 370 हटने के बाद में, और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिसको भी टिकट दिया है उनकी पहली योग्यता होती है देश को गाली देने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, और जनता ऐसे लोगों को हरा कर फिर मुंह तोड़ जवाब देगी और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को जिताने जा रहे हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयंत है और मैं यहाँ पे मास्टर्स का छात्र हूँ। जहाँ तक आपने एक बात बोला कि जेएनयू जो है वो सिर्फ कन्हैया कुमार के नाम से नहीं जाना जाता है, आपने बोला कुछ और भी लोग होंगे जिनके समर्थन में यहाँ के जनमानस है, यहाँ के लोग हैं, जेएनयू के छात्र हैं। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार में, वर्तमान बिहार सरकार में एक मंत्री थे सुमित कुमार, आप नाम जानते हो, निर्दलीय उन्होंने इलेक्शन जीता था, वो जेएनयू के ही छात्र थे। आज निर्मला सीतारमण से लेकर जयशंकर जी से लेकर जितने बड़े बड़े आप मंत्री देख रहे हैं वो जेएनयू के छात्र रहे हैं। जेएनयू एक सिर्फ कन्हैया कुमार या इस वामपंथियों के लिए नहीं जाना जाता है, जेएनयू के पास ऐसे बहुत सारे सोर्स रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आज एकेडमिया में चले जाइए, ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, स्पोर्ट्स में चले जाइए, कहीं किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, जेएनयू के छात्र परचम लहराते दिखते हैं। तो जब आप राजनीति में भी कहिएगा कि कन्हैया कुमार गए तो जेएनयू के छात्र क्या बोलना है, तो जेएनयू का छात्र यही बोलना है कि जेएनयू हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, भारत के विरोध में नहीं खड़ा रहा है। कुछ छात्र हैं यहाँ पे, 100-200 छात्र थे जो ये ढोंग अफजल गुरु के फांसी पे, उसके अलावा अभी भी आप कुछ दिन पहले आयशा यहाँ एक मार्च निकाली थी, नक्सलवाद वो नक्सलवाद जिंदाबाद ऐसे कर, ये कुछ छात्र हैं और कुछ नक्सली यहाँ पे जो अर्बन नक्सल से वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिनका ये काम ही है जेएनयू को बदनाम करना और भारत को बदनाम करना। तो और जहाँ तक रही कन्हैया जी की बात कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मनोज तिवारी के खिलाफ, तो आपने पिछले बार भी देखा होगा जब बेगूसराय से इलेक्शन लड़ रहे थे, 2019 में मैं बेगूसराय का ही रहने वाला हूँ, तो गिरिराज दा वहाँ 400,000 वोट से जीते थे, और 400,000 मार्जिन बहुत बड़ा होता है, अच्छे अच्छे जो पॉपुलर लोग होते हैं वो भी 400,000 वोट से नहीं जीतते हैं। तो जब गिरिराज दा अगर 400,000 वोट से जीत रहे हैं तो उसमें गिरिराज दा के तो महानता है ही, उनका प्रसिद्धि और उनका जो चार में वो तो है ही। कन्हैया कुमार का जो कारनामा जो उन्होंने किया था, जो जिस चीज़ से वो जिस क्रांति से वो निकले थे, वामपंथ के क्रांति से, जो आज जो रिलीजन को ओपियम मानता था और आज रिलीजन का ही, कल परशुराम जयंती मना रहे हैं, परसों कल कोई भगवान की जयंती मना रहे हैं, शिव भगवान का वो पूजा कर रहे हैं, तो ये जो ओपियम से एकाएक उनका जो धर्म परिवर्तन हुआ है, रंग परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन तो क्या ही कर सकते हैं, रंग परिवर्तन जो हुआ है उनका, तो वो बेगूसराय की जनता ने भी पहले भाप रखा था, और दिल्ली की जनता तो फिर भी बोला जाता है कि दिल्ली महानगर है, यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, तो यहाँ की जनता जानती है कि तो कैसे जेएनयू के छात्र कन्हैया के साथ हैं। जेएनयू के छात्र कन्हैया के साथ कैसे होंगे? मैंने बोला कि हर कॉइन का जो होता है मतलब दो पहलू होता है। मैंने बोला जब यहाँ जो पॉजिटिव लोग हैं, जो भारत की बात करते हैं, जो जो यहाँ पे पढ़ने वाले अच्छे छात्र हैं, जो भारत में एक
ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं जो पढ़ाई लिखाई वाली हो, जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जिसी का। कन्हैया जी ने तो निगेटिव एस्पेक्ट में काम किया था ना, वो तो अफजल गुरु की जयंती मना रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। तो जब आप ऐसे समर्थन कीजिएगा तो आप कैसे किसी जनमानस से, किसी कुछ छात्र से आप ये उम्मीद रखिएगा कि आपको समर्थन दें। तो हमारा समर्थन जयशंकर जी के साथ है। हम जयशंकर जी को यहाँ पे अभी जितने छात्र हैं, आप एस आई एस चले जाइए, ट्रिपल एस चले जाइए, एस एल चले जाइए, उनको अपना आइडियल मानने लगे हैं। हमारा जो साथ है वो सुमित जी के साथ है, हमारा साथ अपनी हमारे जो मंत्री हैं वित्त मंत्री उनके साथ है। तो हमारा साथ ऐसे देशद्रोहियों के साथ नहीं होता है। तो हम अपने दिमाग से बहुत क्लियर है कि हमारा साथ किसको देना है। एक अच्छे व्यक्तित्व के उस पर भी साथ होना चाहिए। जैसे कन्हैया का व्यक्तित्व भी हमको लगता है, मतलब दोहरा चरित्र उनके जीवन में देखने को मिलता है। अरविंद केजरीवाल अब समर्थन करेंगे तब? अरविंद केजरीवाल समर्थन तो करेंगे, तो उनके समर्थन करने से क्या हो जाएगा? जो स्वयं आप देख रहे हो ना, अभी तो कल ही ना परसों, कल छूट के आए ना, कल छूट के जेल से आए, जिनके ऊपर स्वयं केसेस हैं, वो क्या समर्थन करेगा? जनता इतना, अब देखिए सोशल मीडिया आने के बाद भारत की जनता, अब वो दिन नहीं रह गया है कि हम किसी को जाके कह दें कि फलाने को आप वोट दे दीजिएगा तो वो दे देगा। आम जनमानस स्वयं विचार करता है कि हमको किसको मत देना है। और आम जनमानस ये जो समय चल रहा है, उस समय के चक्र को पहचान गया है कि वर्तमान में जितने इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं सभी सब अपने आप को, चाहे आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अखिलेश यादव को स्वयं मालूम नहीं है कि क्या बोलना है। मैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ, उनकी लड़की हैं अदिति यादव, आजकल प्रचार कर रही होंगी, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं देखा परसों मैनपुरी में या किसी जिले में वो गई थी प्रचार करने, और एक वृद्ध महिला उनका पैर छूने जा रही थी और वो लड़की पैर छुआ रही है। तो अखिलेश यादव क्या अपने लड़की को यही संस्कार दिए हैं कि किसी वृद्ध महिला से अपने पैर छुलवाना चाहिए? यह संस्कार का दोष है ये। और ऐसे लोगों को भारतीय जनमानस पहचान चुकी है। लालू प्रसाद यादव के लड़के देख लिए, सब लोग तो अपने अपने लड़कों को ही लॉन्च करने में लगे हुए हैं। एकमात्र देखिए, कहना हम लोग ऐसा थोड़े कि हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग भी चीज़ों को देख रहे हैं। अब कोई भी, हर पार्टी अपने अपने पुत्र को ही लॉन्च करने में लगी हुई है, जो है वो अपने पुत्र को लॉन्च करने में, लेकिन बीजेपी में ऐसा है कि बीजेपी में पुत्र लॉन्च नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी में सांसद पुत्र को टिकट मिल जाता है, पंकज सिंह को टिकट मिल गया, ऐसा नहीं है कि पंकज सिंह को उन राजनाथ सिंह के लड़के होने के नाते पंकज सिंह को टिकट मिला। आपको याद होना चाहिए कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो दक्षिणी विधानसभा से पंकज सिंह को टिकट मिल रहा था, लेकिन यही राजनाथ सिंह ने मना कर दिया था टिकट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी परिपक्व नहीं हुए थे। तो राजनीति में परिपक्व हुआ व्यक्ति अगर सांसद पुत्र है तब तो चलेगा, लेकिन अब कोई योग्यता है नहीं, आपको बस इस नाम पे खड़ा कर दिया जा रहा है कि आप इनके पुत्र हैं। ब्रजभूषण सिंह के बेटे को भी, ब्रजभूषण शरण सिंह के जो पुत्र हैं उनके बारे में आप इतिहास पढ़ लीजिए, करण भूषण सिंह के बारे में क्या आम जनमानस जान रहा है? वहाँ 24 उनके दोनों लड़के, चाहे वो प्रतीक हो चाहे करण हो, दोनों लोग जनता के बीच में हैं। जो जनता के बीच में होगा उसी को तो टिकट मिलनी चाहिए। अब कन्हैया कुमार यहाँ जो मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कितने दिन वो उस लोकसभा में घूमे हैं? कितने दिन घूमे हैं? एक भी दिन नहीं घूमे हैं। और आप वहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ की जनमिन समस्याओं को आप जान ही नहीं रहे हो, तो क्या आप यहाँ वहाँ की जनमिन समस्याओं को उठाओगे? आप तो बस आए हो चुनाव लड़के, भागे भरोसे अगर जीत भी गए तो उसके बाद फिर वही बंटा ढाल होगा, उसके अलावा होगा क्या? जिस तरह आप जेएनयू में छात्र संघ चुनाव लड़ लिए और जीत गए, उसके बाद जेएनयू का कुछ भी 1% का काम जेएनयू में जब से लेफ्ट जीत रहा है तब से कुछ नहीं करता है, वैसे वो कन्हैया कुमार वहाँ जीत जाएंगे तो कुछ करेंगे नहीं, यही तो होगा। जहाँ जहाँ लेफ्ट जीता है वहाँ वहाँ के विधानसभाओं को उठा लीजिए, वहाँ वहाँ के लोकसभा को उठा लीजिए, या आम छात्र जो ये छात्र संघ का भी चुनाव होता है, जब भी लेफ्ट से रिलेटेड कोई भी लोग चुनाव जीतते हैं तो उनका विकास करना ही नहीं होता है, वह विकास के, क्योंकि वो पूंजीवाद का विरोध करना है उनको, और जब तक धन नहीं रहेगा तब तक कोई विकास हो नहीं सकता है। तो जब तुमको अब यहाँ कहते हैं, मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए ये चीज़, लेकिन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो लेफ्ट माइंडेड लोग हैं, कहते हैं कि तुम लोग नौकरी करने मत जाओ। अरे भाई, नौकरी करने नहीं जाओ तो तुम भी अपनी नौकरी छोड़ के उठाओ झंडा। तुम दूसरे को ज्ञान दे रहे हो कि आप नौकरी मत करो, वो पूंजीवाद है, तो आप भी अपनी नौकरी छोड़ के उठाओ झंडा, कोई मना किया है? आप अपने बेरी तो नहीं मान रहे हो, आप अपने लड़के को भेजोगे, लेकिन दूसरे के लड़के को आप बहला फुसला के क्लासेस में धमकियां देकर आप ऐसे कार्य कर रहे हो, तो ऐसे थोड़े होता है।
और यही मानसिकता को लेकर कन्हैया कुमार वहां चुनाव लड़ने गए हैं। कन्हैया कुमार बहुत, देखिए मीडिया उनको कन्हैया कुमार बना दिया, बहुत बड़ा कोई नाम नहीं है कन्हैया कुमार, कौन जान रहा है कन्हैया कुमार क्या है। लेकिन बस यही है कि मीडिया का क्या है कि मीडिया को छोटी सी बात को बड़ा कर देना है। समस्या ये है कि आम जनमानस जो है ना, आम जनमानस का दिमाग मीडिया के चीज़ों से और कोर्ट के चीज़ों से नहीं चलता है, आम जनमानस का दिमाग स्व विवेक से चलता है। और स्व विवेक ये कह रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रही है तो उसको चुनेगी, इसमें कोई दो राय थोड़े है। मेरे यहाँ से स्वयं अब देख लीजिए, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से हूँ तो मेरे यहाँ लोकसभा क्षेत्र मेरा देवरिया सदर पड़ता है, तो मेरे यहाँ से ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ से किसी नामी व्यक्ति को नहीं मिला, मेरे यहाँ से भी उनके पिताजी क्या नाम है सांसद थे श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, उनके लड़के को मिला है शशांक मणि। अब उनके बारे में भी आप हिस्ट्री देख लीजिए तो वे 2000 से लेके वो मतलब IITian थे, उसके बाद वो नौकरी करने बाहर चले गए, उसके बाद वो आए तो फिर वो 2000 से लेके अभी तक 2024 तक वो जागृति यात्रा के माध्यम से आम जनमानस से पहले 24 साल जुड़े हैं, उसके बाद उन्होंने टिकट मांग के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल ही आए लैंड हुआ और माननीय मुलायम सिंह यादव का मैं पुत्र हूं अखिलेश यादव तो मुझे सीधे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो सौंप दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव का मैं लड़का हूं तो मुख्यमंत्री मुझे बिहार गवर्नमेंट का मिल जा रहा है, क्या कर ले रहे हैं लोग विकास। कन्हैया कुमार के बारे में एक शब्द बोलना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार जो हैं वो फेमस नहीं, वायरल हुए थे। और जो वायरल व्यक्ति है फेमस होते हैं आप अच्छे काम से, उन्होंने अच्छा कोई काम नहीं किया है। वायरल किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नकारात्मक चीज को पकड़कर और वायरल हो सकता है। लेकिन आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आपको जन नेता बनना पड़ेगा, जन नेता बनने के लिए जनता के बीच रहना होता है, सिर्फ मीडिया में बैठ के देश को गाली दे देने से कोई नेता नहीं बन जाता है। तो उसका जवाब क्षेत्र की जनता दोबारा फिर से देगी, एक बार बिहार से भागे हैं तो दिल्ली आएंगे, इस बार दिल्ली से भागेंगे तो फिर उसके बाद कहाँ जाकर दिखेंगे वो 2024 के 4 जून को पता चल जाएगा। आइए हमारे साथ JNU के और भी छात्र हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि ये कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल कृष्ण द्विवेदी है। अच्छा। मैं CHS से मेरा मास्टर्स फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार इस समय चुनाव में एकदम मैदान में उतरे हुए हैं, मनोज तिवारी के खिलाफ उनको कांग्रेस ने टिकट दी है, तो क्या लग रहा है आप JNU के छात्र हैं, कन्हैया कुमार भी JNU के छात्र थे, छात्र संघ नेता भी थे, तो क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीतेंगे चुनाव? जी, कन्हैया कुमार जी निश्चित तौर पे यहाँ के छात्र रहे हैं और उनकी तमाम ऐसी गतिविधियाँ रही हैं जिनकी वजह से JNU को प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्धि के साथ साथ निगेटिव फेम जिसको बोलते हैं वो मिला, JNU बदनाम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कन्हैया जी जीत पाएंगे, बाकी वहाँ की जनता निर्णय लेगी, वहाँ की जनता जनार्दन जो भी निर्णय लेगी वो स्वीकार है। मैं यहाँ का लोकल का रहने वाला तो नहीं हूँ, परंतु यहाँ जैसे मेरे लोकल के कई सारे यहाँ के फ्रेंड्स हैं जो रहते हैं आसपास के, उनसे जो व्यू मिलता रहता है उससे अभी तक यही ज्ञात हुआ है कि कन्हैया कुमार जी कहीं भी फाइट में दिख नहीं रहे। अच्छा, तो जैसे कहा जा रहा है कि देश में तानाशाही चल रही है, तानाशाही जैसा माहौल हो गया है, भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी जी अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो तानाशाही चरम पर हो जाएगी, तो क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ है? जी नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ, तानाशाही न देश में अभी है ना आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे पास संविधान है, देश संवैधानिक मूल्यों पर चलता है, न कि किसी व्यक्ति के कह देने पर। कोई व्यक्ति उठ करके आके कह दे अगर कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है, देश डिक्टेटर हो गया है, डिक्टेटरशिप में चल रहा है, तो ऐसा मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देश आज के डेट में संविधान से चल रहा है, आगे भी संविधान से ही चलेगा। तो आरोप यही लग रहे हैं कि संविधान खतरे में है, और सिर्फ एक आदमी नहीं बोल रहा है ना, पूरी इंडिया अलायंस बोल रही है, इतने बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल कल तक जेल में थे, आज जेल से बाहर हैं, वो आज आके बयानबाजी कर रहे हैं, आज उन्होंने भाषण भी दिया है जेल से निकलते ही, अगर कि संविधान खतरे में है, प्रधानमंत्री कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे, फिर अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। अगर देश खतरे में होता तो अरविंद केजरीवाल जी स्वतंत्र रूप से जिस प्रकार से बोल रहे हैं वो बोल ही ना पाते, पहली चीज़। तो देश खतरे में नहीं है, ज्यूडिशियरी अपना काम कर रही है, अगर ज्यूडिशियल प्रोसेस में वो अगर दोषी पाए जाते हैं, जेल में जा रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति को हम दोषी क्यों ठहराए, यही है। तो मुझे नहीं लगता कि देश डिक्टेटरशिप। भाई साहब आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा चौहान है, मैं यहाँ पे CHS में फर्स्ट ईयर का मतलब छात्र हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का JNU में। तो क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार चुनाव जीतेंगे?
देखिए देखिए कन्हैया कुमार जैसे हमको जानते हैं, कन्हैया कुमार जी का बहुत ही बड़ा हाथ था जेएनयू की, जो जो यहाँ जो कल्चर है जेएनयू में ओपन का, ओपन डिबेट और ओपन डिबेट, फ्री थिंकिंग का, फ्रीडम का, उसको पूरे देश में डिफेम करने का, उनकी वजह से जेएनयू के ऊपर पूरा एक वो लग गया टैग एंटी नेशनल का। तो उनकी अगर बात करें, अभी वो इलेक्शन हुए नए, वो भी एकदम से उन्होंने पूरा शिफ्ट करके कांग्रेस में आ गए। तो ये मुझे और क्वेश्चन लगता है, ये सिर्फ मैं ऐसे एक चीज़ बोलूँगा, ये पूरी तरह दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स एंड इट इज सोनली फॉर इज ओन पर्सनल गेन। वो ये सब कर रहे हैं ना, वो दिल्ली में कभी रहे ना उन्हें कुछ पता है, वो जेएनयू की चारदीवारी से आज तक बाहर निकले ना, उन्होंने जेएनयू में रह के भी कोई काम नहीं करा, ये सब बातें सारे जेएनयू के वासी जानते हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि ज्वाइन NSCY टुडे एंड लूट इंडिया टुमारो, और एक और उनका अच्छा खासा एक फ्रेज वायरल हुआ था खूब सोशल मीडिया पे कि बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफ़ी था। और आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रचार कर रहे हैं और अपने चुनाव क्षेत्र में इससे पहले गए नहीं हैं कभी, तो आज एक तरीके से बदनामी कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि मार्क्सिज्म का जो मेन कोर आइडियोलॉजी है वो एथिज्म है, एथिस्ट होते हैं वो। कल परशुराम जी की पूजा कर रहे हैं हमारे आराध्य की, कहीं ना कहीं वो पूजा करके भी उनकी अपमान ही कर रहे हैं, कभी गाली देना कभी पूजा करना, दिस इज नॉट द हिंदू कल्चर। नहीं तो वो तो जब नामांकन करने जा रहे थे तब भी सारे धर्म के लोगों को बुलाया गया था, पंडितों को भी बुलाया गया था, सबको बुलाया। इसमें जो देश का मूड है वो अपने कल्चर को रिवाइव करने का मूड है, अपने कल्चर को गेन करने का मूड है, कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट का मूड है। ये वो मूड नहीं है जो कि कांग्रेस के दौरान अपने कल्चर को गाली देना, हिंदू कल्चर को गाली देना, देवी देवताओं को गाली देना। यही जेएनयू में आपके जेएनयू में दुर्गा जी को गाली दी जाती थी, दुर्गा माता को गाली दी जाती थी, महिषासुर की पूजा की जाती थी। आप ये देखिए उसी में कन्हैया कुमार जी की एसएफआई नहीं थे या एसएफ से थे, उनकी उनका हाथ रहा है यहाँ पे। मैं कैसे उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लूँ, डायरेक्ट लेफ्ट से वो सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं कांग्रेस जो कि खुद। मेरा एक मानना है कि जैसे कन्हैया कुमार यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो मान लीजिए अगर वो चुनाव जीतते हैं, सरकार आती है, तो क्या जेएनयू को कुछ फायदा नहीं होगा? जी जेएनयू, उन्होंने तो नुकसान ही किया है जेएनयू का। बिल्कुल, जो भी जेएनयू के की छवि खराब हुई है, जेएनयू की इमेज को डिटेरिएट किया गया है, एंटी नेशनल का जो टैग लगा है, कम्युनिज्म को जो टैग लगा है, कम्युनिज्म में भी रेडिकल कम्युनिज्म है ये, जो कि देश को खाने की बात करता है, चाइना का फ्लैग उड़ाता है, 1962 वार को सपोर्ट करता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, कभी भारत के झंडे को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उस कम्युनिज्म को कैसे एक्सेप्ट कर ले? और आप बताइए, सुनिए, चुनाव जीतना ना जीतना ये मैटर नहीं करता। चुनाव जीत भी जाएंगे वो हमारे सीनियर हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके आइडियोलॉजी के साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, कुछ लग रहा है कि कुछ कड़ी टक्कर होगी? टक्कर में मुझे लगता है कि देश की जनता का जो मूड है वो मनोज तिवारी के पक्ष में ही जाना चाहिए, लेकिन अगर ये देखिए चुनाव टैक्टिक्स पे जीता जाता है, डिबेट पे जीता जाता है, जिसपे कन्हैया जी पढ़े लिखे आदमी है, मनोज जी भी पढ़े लिखे हैं, किंतु मतलब उनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जीत भी जाते हैं फिर भी उनकी आइडियोलॉजी कभी देश पे असर करने नहीं जा रही है, ना तो वो डेवलपमेंट करने वाले देश में, केवल और केवल लोगों में अपने कल्चर के खिलाफ एक हेट पैदा करेंगे वो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते इस देश में, ठीक है। और हम जेएनयू के छात्र हैं, हमने यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस चलता है, जो कि लेफ्ट के द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलता है कि कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, बस वही पॉलिटिक्स होती है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, और आपको बनिया को यहाँ पे लिखता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो ना, और यहाँ पे लिखा जाता है मोदी तेरे सर कटेंगे, तो ये सब क्या है? चाइना जिंदाबाद का नारा यहीं लगा है, चाइना के फ्लैग हमने खुद अपनी आँखों से देखे हैं, यहाँ पे झेलम एक हॉस्टल है, वहाँ पे कुछ एक कब्जा है एक विशेष कम्युनिटी का, जो कि उनके द्वारा खुद क्रिएट किया गया है, वहाँ पे आके हालत देखिए, मैं खुद रहता हूँ उस हॉस्टल में, उसके रिपरकशन मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे पता है। मुझे कन्हैया से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, कन्हैया जी से हमारे सीनियर हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन कोई आइडियोलॉजी से मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एडमिट नहीं कर सकता उनकी आइडियोलॉजी को मैं। जैसे कृष्णा जी ने भी पॉइंट आउट किया, जो एंटी नेशनल की जो छवि है जेएनयू पर लगाया, कि जेएनयू एकेडमिक्स के लिए कितना कुछ इसने किया है देश में, यहीं से हमारे उमेश कदम जैसे प्रोफेसर निकले हैं, जो कि मराठा लिटरेचर पर कभी काम ही नहीं हुआ हिस्ट्री में, उसको एक शिवाजी को एक इन्वेडर और प्लंडरर कहा गया, हमारे शिवाजी जिन्होंने हिंदू कल्चर की इतनी बड़ी बात की, हिंदू पदपदशाही की अवधारणा दी गई, उनको एक प्लंडरर कहते हैं यहाँ के हिस्टोरियन, उसके खिलाफ उमेश अशोक कदम जी ने कदम उठाया। तो हम कैसे सपोर्ट करते कन्हैया जी को, जो यहाँ तक बोलते हैं आर्मी को भी गाली दी जाती है, कहते हैं आर्मी रेप करती है, ये कैसे मान लें हम? जो आर्मी हमारे पुलवामा अटैक के बदला लेती है, पुलवामा करती है, उसको हम कैसे मतलब अपने देश के कोर आइडियोलॉजी जो हमारी नेशनलिज्म है, जो हमारा पैट्रियटिज्म है, उस पर कोई अगर हाथ उठाता है तो हम उसको किसी भी एट एनी कॉस्ट वी कांट एक्सेप्ट दैट। देख कन्हैया जी पे यही राय है, मैं उसी लोकसभा का वोटर भी हूँ साथ साथ, तो हमने देखा है जेएनयू में इन लोगों ने कैसे बात की थी, जैसे कश्मीर वाला जो 9 फरवरी 2016 में हुआ था, ये सब कुछ करने के बाद इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मैं वहाँ पे था ही नहीं। और वो व्यक्ति जो कहता था कि ज्वाइन NSY टुडे लूट इंडिया टुमारो, आज खुद वो राहुल गांधी के चरणों में पड़े हुए हैं,
कल को बात करते थे कैसे अंबानी का बेटा तुरंत राजा बन जाता है, तो राहुल गांधी किस प्रोडक्ट का है? वो तो मिडिल क्लास से बनकर नेता नहीं बने हैं। प्लस कन्हैया जी अपॉर्चुनिज्म का एक बेहतरीन नमूना है, बल्कि मनोज तिवारी ने तो, मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैं जानता हूँ, उन्होंने 3 केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे उस इलाके में खुलवाए हैं। और कन्हैया के साथ साथ उनकी जो पूरी गैंग थी, उमर खालिद जो दंगे हुए हैं उसी सीट पे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसी केस में अंदर हैं। सरजील इमाम उसी केस में अंदर हैं, और ये सब इनका पूरा गिरोह पूरी तरह से एक्टिव है। नहीं तो आप उसी क्षेत्र में हैं जहाँ पे आपको वोट देना है, आपको वहीं पे वोट देना है। कन्हैया कुमार हैं और मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार में कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिसको सोच के आप अगर चाहें तो। जी जी, कन्हैया कुमार में कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का अच्छा यूज कर रहे हैं। आप उनके 3 दिन का जो कार्यक्रम लगा है वो देखिए, उनका मेन फोकस मुस्लिम सीटों पे है, वर्ग विशेष की सीटों पे उनका फोकस है, मुस्तफाबाद सीलमपुर वाले एरिया पे उनका पूरा फोकस है, क्योंकि वो लोग ध्रुवीकरण की और बांटने की राजनीति करते हैं देश को, तो इसलिए उनका विशेष फोकस। मनोज तिवारी जी का कोई काम और ये सब? मनोज तिवारी ने वही केंद्र केवी वाले उन्होंने स्कूल खुलवाए हैं, प्लस कोरोना काल में बाकी जो सांसद विधायक एक्टिव नहीं थे वो उस टाइम पे एक्टिव दिखे थे, गरीबों को राशन बांटना हो ये सारी चीजों उन्होंने। तो कन्हैया कुमार आरोप लगा रहे हैं कि मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया और सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेंगे, तो क्या ये है कि मोदी के नाम पे कन्हैया, अरे मनोज तिवारी को वोट मिलेगा, या मनोज तिवारी खुद में भी एक फेस है वहाँ पे वोट लेने काबिल है? देखिए मनोज तिवारी बीजेपी उसका कैसे यूज करती है, उनको पूरे देश में भेजा जाता है, कहीं ना कहीं वो भोजपुरी समाज जो है, जो यूपी बिहार का समाज है, उनके लिए क्रेडिबल फेस है और उनकी क्रेडिबिलिटी स्वयं की है। पर ये बात सच है कि मोदी जी के नाम पे उन्हें वोट मिलते हैं, और 2014 के मुकाबले 19 में उनका जीत का अंतर बढ़ा था, 370,000 के आसपास था अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस बार का अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है? देखिए मनोज तिवारी जीतेंगे, मनोज तिवारी चुनाव जीत रहे हैं आसानी से, बस कन्हैया कुमार पूरी तरह से ध्रुवीकरण के ऊपर निर्भर है, पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, इंडिया अलायंस में भी हैं, उतर चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं, अच्छा, अगर मान लीजिए हाँ कल ही आए वो जेल से बाहर, अगर मान लीजिए कि वो कन्हैया कुमार के लिए रैलियाँ करने लगे, कन्हैया कुमार के समर्थन में नारे लगाने लगे, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? भाई साहब 2019 चुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 50% से ज़्यादा था कांग्रेस आप कंबाइंड करके, और प्लस पॉलिटिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, वो केमिस्ट्री का खेल है, 1+1=11 नहीं होता उसमें, तो सारे वोट तो उधर ट्रांसफर करा नहीं पाएगी आम आदमी पार्टी। ये साथ लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव मज़ेदार होगा, पर बीजेपी जीत रही है पूरी तरह से चुनाव। अच्छा आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है राहुल कुमार मीणा। मैं जैसे कि यहाँ JNU में काफ़ी सालों से हूँ, मैंने JNU का वो दौर भी देखा है जब यहाँ पे, जैसे कि सबको पता है कि जब से JNU बसा है तब से यहाँ पे एक गुट जिसको हम लेफ्ट की आइडियोलॉजी से रिलेट करते हैं उसका हमेशा यहाँ पे दबदबा रहा है। मैंने इन सालों में ये चीज़ देखा है 2014 से पहले कि एंटी नेशनलिटी की बात करना यहाँ पे एकदम रियली कॉमन थिंग थी। एक्चुअली जैसे कन्हैया का आप जो क्या करें मतलब जिक्र कर रहे हैं, आप कितने साल से हैं? मैं 24 साल से हूँ एंड मैं 24 साल से यहीं पला बड़ा हूँ। अच्छा यहीं पे? हाँ, तो एक्चुअली मैंने ये यहाँ का एकदम ग्राउंड लेवल पे रह के देखा है कि यहाँ पे आइडियोलॉजी कैसे काम करती है। जैसे कि हाँ जी, जैसे कि जिन हॉस्टलों के मेरे मित्र आज की तारीख में जिन हॉस्टलों में रहते हैं, उन हॉस्टलों में कभी एक ज़माना था जब वहाँ पे चाइना के झंडे लगे रहते थे और वहाँ की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए लोग दुनिया को वो करते थे। अब जैसे कि आप कन्हैया का जिक्र कर रहे हैं तो कन्हैया के का दौर भी हमने देखा, उनके दौर में एक नारे लगे थे हिंदुस्तान के टुकड़े होने के लिए, तो उस दौर में जैसे कि JNU जब बसाया गया था तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पे बसाया गया था एक नेशनलिटी को सपोर्ट करने के लिए, बट जब एंटी नेशनल नारे लगे तो उस ज़माने में जैसे कि जो आम नागरिक है JNU का वो भी जब बाजार में जाता था तो हमें एक आतंकवादी की तरह से देखा जाता, उनके किए गए कार्यों की तरह, क्योंकि उन्होंने नारे दिए, उनके नारे देके वो तो चले गए आज की तारीख में JNU से, अपने आप को रिलेट कर रहे हैं भले लेकिन वो जा चुके हैं, लेकिन JNU की छवि पे जो उन्होंने दाग लगाया, जो लेफ्ट के होने के नाते उन्होंने जो दाग आज तक वो लगा है, आज की तारीख में भी किसी भी आम नागरिक से हम पूछें तो JNU को एक आतंकवादी संगठन से रिलेट करता है और आतंकवादी संघियों का वो मानता है कि आतंकवाद JNU से पलपता है। जैसे कि हमारे परिवार, हमारे मित्रगण हैं, इनके परिवार वाले जब JNU एडमिशन के टाइम पे ये आए थे तो इनके परिवार वालों ने भेजा था कि आप इन सबसे दूर रहिएगा क्योंकि हमको लगता है कि आज JNU आतंकवाद का गढ़ है, क्योंकि वहाँ से कन्हैया जैसे लोग निकले हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी का वो है और पाकिस्तान, उमर खालिद एंड चाइना की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। बिकॉज उस टाइम 2014 से पहले तो यहाँ पे एकदम कॉमन थिंग थी कि किसी भी लेफ्ट आइडियोलॉजी या फिर मतलब चाइना के झंडे को सपोर्ट करना, एंटी नेशनल नारे दे देना और नेशनलिटी की बातें करना एक तरीके से क्राइम था। जैसे कि 2014 से पहले आप कोई भी रिक्रूटमेंट देख लीजिए, यहाँ पे आइडियोलॉजी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट और अकेडमिक्स हुआ है,
अगर आप एक ग्राउंड लेवल पे जाकर रियलिटी चेक करेंगे तो 2014 से पहले या मतलब जो हमारी पार्टी है बीजेपी उसकी सत्ता में आने से पहले यहाँ पे क्या हुआ ये तब पता चलता है जब हम ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं यहाँ के एकेडमिक्स प्रोफेसर्स क्या थे और आज की तारीख में हमें उन हमारी पार्टी आने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला है। जैसे कि उमेश अशोक कदम जैसे प्रोफेसर मिले हैं जिन्होंने नेशनलिटी के ऊपर बहुत काम किया है, हमारे भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप 24 साल से हैं जी, तो आपने कन्हैया कुमार का भी दौर देखा होगा जी, तो आप कभी सामने सामने मिले उनसे? जी हम जब जिस ज़माने में कन्हैया जी यहाँ पे थे उस ज़माने में हमारी स्कूलिंग चल रही थी। जैसे कि मेरी स्कूलिंग थी मे बी मैं 10th के आसपास था, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम याद नहीं है बिकॉज, लेकिन उस टाइम पे जेएनयू में जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा यहाँ पे कल्चर है कि नॉर्मली लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, तो उस टाइम पे वो हमको दिख जाते थे मिल जाते थे। जैसे कि हमें पता रहता था कि हाँ भाई ये जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट हैं, कि बिकॉज हम खेलते थे तो वो भी उसी पार्क में ग्राउंड में खेलने आते थे बिकॉज यहाँ पे कॉमन है सब एक ही जगह पे खेलते हैं, तो उस ज़माने में हमको पता था। बट जैसे ये मुद्दा उछला जब वो नारे लगे और जब कन्हैया के ऊपर बातें चली तब सबको खुल के सामने आया कि जेएनयू में असल में क्या हो रहा है, नारे दिए जा रहे हैं, कमरों में बैठ के देश के खिलाफ बातें करी जा रही हैं, ऐसी आइडियोलॉजी को फैलाया जा रहा है जो देश के हित के लिए सही नहीं है, देश के विकास के लिए सही नहीं है। वन थिंग आई विल लाइक टू ऐड मोर दैट, यू हैव सेड दैट, आपने कहा था कि ये जो है केजरीवाल जी बड़े लीडर हैं, मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बड़े लीडर हैं। फ्रीबीज बांटना कहाँ तक इकोनॉमी के लिए सही है? नहीं, मेरा इसलिए मैंने कहा कि भाई एक सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उभरती हुई पार्टी के ऊपर आप लोन देखिए, उनके घोटाले देखिए, बिजली फ्री कर देना, पानी फ्री कर देना, आप वो भी अमीरों के लिए फ्री कर रहे हैं, गरीबों के लिए फ्री कर रहे हैं, उसमें एक दायरा बनाना जरूरी है जीवन में, और किसी भी इकोनॉमी अगर ऐसी चलती है तो उसमें एक दायरा बनाएंगे। और कांग्रेस के एक सांसद जी बात करते हैं, एक नेता जी बात करते हैं कि हम जो है अमेरिका में एक सिस्टम है 40% से ऊपर जिनकी इकोनॉमी जिनके पास पैसा है 40% लोग वो पैसा है उनको बांट दिया जाना चाहिए, ये कैसे अगर ऐसे हम बांट देंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? अमेरिका का जो डिस्कोर्स है, अमेरिका का इकोनॉमिक डिस्कोर्स है वो इंडिया के इकोनॉमिक डिस्कोर्स से काफ़ी डिफरेंट है। आप बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा जी, तो वो तो रिटायर हो गए, कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। निकालने की ये जो स्पूरियस पॉलिटिक्स है उसको हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, दिस इज अ वेरी स्पूरियस पॉलिटिक्स, ये नकली पॉलिटिक्स है, ये प्रटेंड करते हैं हम निकाल दिए हैं। मणिशंकर अय्यर जी क्या बोलते हैं अपने मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो कि उस समय वर्किंग प्रधानमंत्री, उनको क्या बोलते हैं? और जहाँ तक बात रही इनके कन्हैया कुमार जी की, उनकी और पूरे गैंग की, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल तो रियल में नहीं है, उनके जो एक बहुत बड़े क्या एक्टिविस्ट बोल सकते हैं आप उन्हें, एक्टिविस्ट तो है नहीं, साजिल इमाम जी, वो अपने फेसबुक पेज पे क्या लिखते हैं कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन, गो कम एंड बर्न इट, यू आर पीएचडी स्कॉलर, मतलब आप जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया आप उसको जलाने की बात करते हैं, आप मनुस्मृति भी जलाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन भी जलाएंगे, तो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं आप? कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म का लास्ट गोल क्या है? अराजकता, एनार्की, आप वही फैलाएंगे। कन्हैया कुमार ने भी ये बोला है कि संविधान खतरे में है, संविधान को डिक्टेटरशिप एक देश में एक हो रही है, और अगर बीजेपी फिर से वापस आती है तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, ध्रुव राठी प्रोपेगेटरी क्लासेस, वो जो क्लास है उसी से ये सब आइडियाज निकल के आ रहे हैं, जो कि अपने अंदर ही सेल्फ फैटल हैं, जो आपको इंटरनली खोखला कर देंगी, इस देश को इंटरनली खोखला कर देंगी, सेल्फ फैटल स्यूडो आइडियाज हैं वो, जो प्रोपेगेटरी क्लास वो फंडेड है ऑलरेडी किस पे, कन्हैया और मनोज तिवारी पे ही ज़्यादातर थे। मेरा एक कॉमन आप कह रहे हैं डिक्टेटरशिप, अगर बीजेपी आ जाती है तो डिक्टेटरशिप तब होती है जब पार्टी अपनी सत्ता ना छोड़े, जनता का चुनाव का मौका ही ना मिले। यही मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, इलेक्शन हो रहा है, अपना देश लोकतांत्रिक देश है, हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, और आज की तारीख में इलेक्शन चल रहा है, अगर जनता किसी पार्टी को चुनती है बहुमत से और वो सत्ता चलाती है, भले ही वो 3 बार नहीं 4 बार चलाए, तो इसमें आपत्ति कैसे हुई? ये डिक्टेटरशिप कैसे हुई जब कोई वोट दे के, मैं वोट दे रहा हूँ किसी पार्टी को और अगर वो पार्टी जीत रही है और भले ही वो उसकी तीसरी टाइम टर्न चल रही हो सत्ता में रहने की, तो डिक्टेटरशिप हुई नहीं बिकॉज वो हमने वोट दिया है। वोट ना देकर डिक्टेटरशिप चलाना वो तो ठीक है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना डिक्टेटरशिप चला रही है बीजेपी, ये गलत है। मैं ये सवाल कर रहा था कि चुनाव चल रहा है, बीजेपी अगर यूथ एज अ यूथ के तौर पर आप मुझे बताइए, जेएनयू के छात्र ने अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आ जाती है जी, और जैसे विपक्ष बोल रहा है जी, कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ गई, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, एक नेशन एक लीडर का तौर शुरू हो जाएगा कि एक ही आदमी अब लीड करेगा, और फिर जितने अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज बोला कि जितने भी लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, तेजस्वी यादव हों, सब कोई हर
केजरीवाल की तरह सबको वो जेल में डाल देंगे। तो क्या यूथ को ये लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, देश तानाशाही के तौर पे जा रहा है, डिक्टेटरशिप चल रही है देश में, संविधान खतरे में है? देखिए, जब यूथ को वोट डालने का मौका दिया जा रहा है प्रॉपरली, जैसे कि हमें वोट डालने का मौका मिलेगा, हम वोट डालेंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, तो डिक्टेटरशिप हुई नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूथ के तौर पे हम देखते हैं देश की जीडीपी या इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ रीजनली लोकली, वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मेरे गाँव में आज तक मतलब बीजेपी से पहले रोड नहीं था, वहाँ पर एक्सप्रेस वे हाईवे ये था ही नहीं। अगर आप जैसे कि NH8 पड़ता है अलवर की तरह, अब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे जाता है वहाँ पर, आज की तारीख में कितने ही लोगों का भला हुआ है उस हाई एक्सप्रेस वे के बनने से, कितने ही लोगों को रोज़गार मिला है, देश का युवा भी उसमें शामिल है, तो इससे क्या देश के युवा का भला नहीं हुआ है? अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर, ये तो आप भी समझते हैं, देश का हर नागरिक समझता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन होता है तो एक दूसरे पर लांछन लगाती हैं, क्योंकि बिना लांछन लगाए राजनीति का खेल लोग नहीं खेल सकते, इसलिए वो लांछन लगाते हैं। जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल पर आ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने फ्री बांटा है, कहाँ से बांटा? सरकारी पैसे से बांटा। वो पैसा कहाँ से आया? टैक्स पेयर से, जो आम नागरिक कमाता है वो मेहनत से कमाता है, ताकि देश की सरकार को दे और देश की सरकार उसे कुछ उसके हित में करके दे। हम भी टैक्स भरते हैं, हमारी फैमिली भी टैक्स भरती है, लेकिन केजरीवाल की सरकार की तरफ से हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन लोगों को मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन फ्री का किसी को बांटना, ये कहाँ तक देश के हित के लिए अच्छा है? ये आप भी समझते हैं? मुझे इस पे बताइए कि क्या लग रहा है कि देश में तानाशाही है? जी नहीं, देश में तानाशाही का सवाल ही कब तब उठ सकता है जब वोटिंग ही ना हो, हमें चुनाव का मौका ही ना मिले। कोई भी आम नागरिक उठ के जब खड़ा हो सकता है, कंटेस्ट कर सकता है किसी भी पोजीशन के लिए, और वोट अपने नाम पे वोट मांग सकता है, हम उसे वोट दे सकते हैं, हमें ऑप्शन है चूज करने का कि हम किसको वोट दें, तो ये डिक्टेटरशिप या तानाशाही कैसे हो सकती है? आप बताइए, पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार है, यहाँ पे तो उनको तानाशाही नहीं दिखी। यहाँ पे क्यों किसी पार्टी को तानाशाही नहीं दिखी? क्योंकि वो जीत गए वहाँ पे, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे तानाशाही उन्हें नहीं दिखती, लेकिन जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे EVM से लेके तानाशाही तक का सवाल खड़ा कर दिया जाता है पोजीशन की तरफ से। ऐसा क्यों? ये सवाल आप उनसे जाके एक बार पूछिए कि ऐसा वो ऐसा क्यों ही करते हैं? पंजाब के इलेक्शन में उन्होंने ये सवाल नहीं खड़ा करा, दिल्ली के इलेक्शन होते हैं तब नहीं खड़ा करते, MCD के इलेक्शन होते हैं तो वो खड़ा नहीं करते, राजस्थान इलेक्शन में भी नहीं करते, लेकिन हार जाते हैं तो खड़ा कर देते हैं कि भाई कैसे जीत गए, EVM चेक करवाइए, जबकि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ का बार बार नोटिस मतलब प्रेस रिलीज निकाल चुका है कि जिसको भी डाउट है वो आइए हमारे पब्लिकली उस चीज़ को हैक करके बताइए। अगर इनको डाउट है, जो पब्लिकली हैक करने के लिए जाता है, तो करिए आप, हैक करके बताइए पब्लिकली प्रेस के सामने, जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको आगे से आ रहा है कि आप हैक करके बताइए कि कैसे वोटिंग मशीन हैक होती है, तो आप बताते क्यों नहीं? पोजीशन लीडर इस पे चुप क्यों बैठ जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब अपना जवाब देता है? एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपने बात की तानाशाही की, सबसे पहले तानाशाही देश में अगर हम इस देश में जाने, तानाशाही से पहले किसने लगाई? तो नेहरू जी थे। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। UPA एक एक्ट होता है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहते हैं। जब अंग्रेजों ने इस एक्ट को लगाया था, इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया कि दिस इज तानाशाही, दिस इज डिक्टेटरशिप, और आपके इसे काला कानून भी बोलते हैं। नेहरू जी ने काला कानून ये लगाया, अब उन्हें डिक्टेटर कैसे नहीं बोल सकते? इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल में रखा, पावर केवल एक व्यक्ति के हाथ में रही। उसके बाद जो है, आप शिक्षा मंत्री देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर देखिए, वो आप किस कम्युनिटी से आते हैं? एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आते हैं। कैसे? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करती है, पार्टीशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करती है, जो यह कहती है घर घर जाके ड्यूरिंग पार्टीशन कि पाकिस्तान बनने के क्या क्या फायदे हैं, आप उसके किसी प्रोफेसर को आप शिक्षा मंत्री बनाते हैं? कैसे आप हिस्ट्री खराब कर रहे हैं? आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, वो कैसे जो भी इंडियन कल्चर में, जो हिंदू कल्चर में जो भी एज ग्लोरीफाई किए गए हैं, गुप्ता एज हो गए, वैदिक एज हो गए, उनमें कमियां ढूंढते हैं, उनको बोलते हैं दिस इज अ फ्यूडल एज, गुप्ता एज को फ्यूडल एज बोला जाता है, उसको बोलते हैं इसमें गरीब जनता का इसमें शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसी को टारगेट करते हैं। जबकि आप और मुस्लिम एज को देखेंगे, वो कहेंगे वो बड़े अच्छे थे, अकबर जिसने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, हमारे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा गया जो कि वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, अपने आप इस्टेब्लिश हुआ रुद्राक्ष की एक माला गिरने से, यही हमारे पुराणों में लिखा गया है। आप उसको तोड़ते हैं, और उसमें क्या क्या उस पर डिस्क्रिप्शन आता है, इरफान हबीब क्या बोलते हैं उस पर कि उसमें डाकू आ गए थे, उसको भगाने के लिए वो मंदिर नष्ट कर देते हैं। ये कौन सी बात होती है भाई? डाकू भगाने के लिए आप मस्जिद भी नष्ट करिए? जामा मस्जिद कभी नहीं नष्ट हुआ आज तक, कभी नहीं हुआ। और जामा मस्जिद एक बार खोखला किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वो जो है असली रिबेलियंस को वो शेल्टर देता था, उसको नष्ट किया गया, नष्ट नहीं किया गया, उसको थोड़ा छहित किया गया। उसी के बाद जो है आपके ये आते हैं मौलाना क्या नाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नाम स्लिप कर रहा है मेरा, उनका नाम है सर सैयद अहमद खान, जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जो और एक जो लिखते हैं कि 1857 की क्रांति में मुस्लिमों का हाथ नहीं था, वो और ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं,
वो कहते हैं टू नेशन थ्योरी का जो बॉर्न होता है वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आता है। सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस सरकार ने कैसे उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री बनाते हैं जो कि हिस्ट्री को अपने इंडियन हिस्ट्री को खराब करके रख देती है पूरी तरीके से। हिंदू कल्चर को एज ए कल्चर फ्यूडल कल्चर बोला जाता है। अनटचेबल्स की एक कॉन्सेप्ट मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट है अनटचेबल्स का, ऐसा कुछ है नहीं। कास्ट सिस्टम जो कि फंक्शनल सिस्टम हुआ करता है एक टाइम पे, उसको एज अ प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि इसने जो कि पूरा बेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, जो कि ऐसा नहीं था। जैसे क्लास है यूरोप में वैसे हमारे यहाँ कास्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल था, एक प्रॉपर डिवीज़न था। लेकिन उस डिवीज़न का ऐसा नहीं था कि सीलिंग थी, उसमें इंटर कनेक्शन होता था, इंटर मिंगलिंग होती थी। हमारे यहाँ इंटर कास्ट मैरिज के भी उदाहरण मिलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन आप जो है, हाँ ये सब जब बातें ख़त्म कब होती हैं, जब मलेक छाते हैं, जब मलेक छाते हैं, जब मुस्लिम आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी को जलाया जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए जाते हैं, हमारे सारे जो साइंस और उस पर रिसर्च हुए हैं उसको जला दिए जाते हैं, तब हमारे ऊपर आरोप लगता है कि ये कास्ट सिस्टम था। अच्छा ये बताइए कि कन्हैया कुमार के कारण जेएनयू की क्या छवि बनी? देखिए कन्हैया कुमार ही इसमें एक अकेले आदमी नहीं थे, मैं उन पर ब्लेम नहीं करूँगा, पूरे चुनाव के मैदान में। अच्छा ठीक है, कन्हैया कुमार के ही अगर बातें करें तो उन्हीं के एक बहुत खास मित्र जो है उमर खालिद जी बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर रिलीजन का एक स्लोगन लिया जाता है, उसको मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि कल मेरा गला यहाँ रहे न रहे किसको भरोसा, ये बात है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार जी आर्मी को रेपिस्ट बोलते हैं, बोलते हैं आर्मी रेप करती है। ए भाई, आर्मी रेप करती है तो आपकी रक्षा कौन करता है? आपकी रक्षा ये लेफ्टिस्ट करते हैं, आपकी रक्षा ये चाइनीज करते हैं, आपकी रक्षा रशियन जो है स्टालिन जो हुआ करता था वो करता है। इस देश को जो एक आर्मी मैन है वो जब शहीद होता है उसके घर वाले कितने परेशान होते हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे उनको एक इमोशनल हरासमेंट है, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस लड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, बड़े वकील हैं जो कि अपने वाकपटुता से उनको बचा लेते हैं, यही बात है। वो कपिल सिब्बल किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपको पता ही है, NSUI से थे पहले, वो पार्टी कार्यकर्ता थे और कांग्रेस से भी उनके काफ़ी दिन तक वो रहा, तो उनको ऐसे लोग बचाते हैं। सेकेंड चीज़ है, और जहाँ कन्हैया कुमार की PhD की बात आती है, उनकी PhD जो है हिंदी में अपनी PhD करते हैं, वो भी कितने साल में करते हैं? 7 साल में, 5-7 साल के बीच में वो करते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप एक्सटेंशन तभी लेते हैं जब आपको कोई स्पेशल आपको कोई बीमारी हो गई हो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। और वो बार बार बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही लोअर स्टेटा से आता हूँ, मेरी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर थी। अरे भाई, जो आप जहाँ से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उसे भूमिहार कम्युनिटी बोलते हैं। बिहार में कितनी एक्टिव, कितनी प्रोएक्टिव कम्युनिटी है उसको सब जानते हैं। आप बोलते हैं कि मैं यहाँ टॉप करता हूँ, किसी परीक्षा में टॉप कर देना ये आपको ये रिलाय नहीं करता कि आप किसी देश के लिए आप भला करेंगे, ये रिलाय नहीं करता आप देश के लिए, हिंदू कल्चर के लिए, धर्म के लिए आप खड़े रहेंगे। बस इतनी सी मेरी बात थी। दो पॉइंट बस मैं बोलना चाहूँगा। ये कन्हैया कुमार जी JNU के स्टूडेंट रहे हैं, तो डिबेट और डिस्कशन का यहाँ कल्चर है, तो वो डिबेट और डिस्कशन अच्छा करते हैं। बाकी जो चुनाव का मामला है वो इस बार जनता डिसाइड कर ही देगी। बस धन्यवाद।